वेलकम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू ईवीएस पार्ट वन, लेसन नंबर टू, द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स, एंड दिस इज अवर पार्ट टू। नाउ स्टूडेंट्स, टेल मी वन थिंग, व्हाट वी हैड लर्न इन द प्रीवियस वीडियो, डिड यू रिमेंबर? यस, वी हैड लर्न दैट we have many needs such as food, water, shelter, clothes, air, etc. and these all needs are fulfilled by resources in our surrounding. and also we had done the experiment. today we are going to learn that living in areas where needs are fulfilled, animals and plants are our friends, and interaction among different living things. Let's take the example of the tiger. A tiger has stripes. A tiger lies in wait for its prey among tall grasses. Its prey cannot see it in the grass because of the stripes. अभी बच्चों, हम सबको पता है टाइगर कैसा दिखता है और उसकी बॉडी पे स्ट्रिप्स होते हैं, येलो एंड ब्लैक, यस और नो? ओके, सो टाइगर क्या करता है, अपना शिकार करने के लिए टॉल ग्रासेस जो होते हैं ना उसमें जाकर छुप जाता है, और जो शिकार होता है वो भी टाइगर को देख नहीं पाता और ऐसे वो उसका शिकार करता है, और इसीलिए टाइगर क्या करता है, शिकार करने के लिए टॉल ग्रास जहाँ पर भी होगी वो वाला एरिया चूज करता है। देर आर एनिमल्स लाइक द डियर, द नील गाय एंड द बेसिन इन ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में कौन से एनिमल्स होते हैं? डियर्स, नील गाय एंड बेसिन, और टाइगर इनका ही शिकार करता है। वैन द टाइगर इज हंग्री इट कैन फीड ऑन देम। For a tiger, there also need to be a water hole nearby which never dries up even in the summer. There must also be dense vegetation, tall grasses or caves in hills or mountains in the area so that the tiger can find shelter. A tiger inhabits an area where all these things are अवेलेबल। टाइगर ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ उनको पानी, खाना और ये टॉल ग्रासेस, जितने भी उनकी नीड्स है, सारी नीड्स जहाँ पर भी अवेलेबल इजीली होती है, वो ऐसी एरिया चुनते हैं रहने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर यू विल सी केव, माउंटेन एरिया, वाटर होल, लॉन्ग ग्रासेस एंड डियर एंड द टाइगर। ये सारी चीज़ें जहाँ पर भी टाइगर को अवेलेबल ईजीली होती है वो वहाँ पर ही उसका घर बना लेता है, और ऐसी ही जगह पे हमें टाइगर्स मिलते हैं। सो इन शॉर्ट, द ऑल नीड्स ऑफ एनिमल्स इज ऑल्सो अवेलेबल इन नेचर। सो Not only human beings, animals also fulfill their all needs by the nature or in the nature. Understood, children? Okay. Animals and plants are our friends. We keep animals in order to satisfy some of our needs. They become dear to us. We look after them well. We feed them. We take them to a vet if they fall ill. These animals too return our affection.
हम जो एनिमल्स हमारे घर में या घर के बाहर हम उनको पालते हैं, हम क्या करते हैं, उनसे हमारी नीड्स भी कंप्लीट करते हैं और साथ ही में उनसे हमें उनके साथ हमारा एक अफेक्शन हो जाता है। मीन्स वो जब बीमार होते हैं तब हम क्या करते हैं, उनको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, हम उनको रोज़ का खाना देते हैं, हम उनको अच्छे से देखभाल करते हैं, तो दे ऑल्सो गेट अफेक्शन और क्या करते हैं, वो भी हमसे उतना ही, उनको भी हमसे उतना ही लगाव हो जाता है। वी गेट मिल्क, मीट, एग्स एंड सेवरल अदर थिंग्स फ्रॉम एनिमल्स। सम एनिमल्स आर यूजफुल फॉर कैरिंग बर्डन्स एंड ड्रॉइंग कार्ड्स। डोमेस्टिक एनिमल्स आर ऑल्सो यूज टू हेल्प विद द हैवी फार्म वर्क इन फील्ड। डॉग गार्ड्स आर हाउस, शिप गिव अस वूल। अब जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो उनसे हमें बहुत सारी हमारी नीड्स कंप्लीट होती है, जैसे कि वी गेट मिल्क, मीट एंड एग्स फ्रॉम दी एनिमल्स। और जो डॉग होता है वो हमारे घर की रक्षा करता है, एंड जो फार्म जो हैवी एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउ, बफेलो, ये जो एनिमल्स है, और शीप, ये फार्म वर्क खेती में भी हमें खेती के कामों में भी हमें क्या होती है, उनसे मदद मिलती है। और शिप, और शिप से हमें क्या मिलता है, वुल, वुलन मिलता है, और हम वुलन के कपड़े ठंडी में पहनते हैं। डिड यू नो स्टूडेंट्स, इवन द एक्सट्रैक्ट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज ऑफ यूज टू ह्यूमन बीइंग्स। द डंक ऑफ कैटल इज मेड इनटू डंक केक। दे आर कंबस्टिबल। They are used in some place as fuel. When they burn, they give out smoke. A combustible gas called gobar gas is also obtained from cattle dung. That too is used as fuel. It burns without smoke. Cattle dung is used for plastering mud houses. Manure made from cattle dung and sheep pellets are good for plants. Farmers use them for growing crops. इतनी सारी चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें हमें डोमेस्टिक एनिमल्स से मिलती है, जिससे हम हमारी जो रोज़ की जो नीड्स है वो हम आसानी से कंप्लीट कर पाते हैं, और इसीलिए हम डोमेस्टिक एनिमल को घर में रखते हैं। Students, in this picture, we will see horse, dog, cat, and the truck. These animals are useful for our day-to-day life. So, our needs also are fulfilled by the domestic animals. Just as we need animals, we need plants too. Plants give us food grains, vegetables and fruit. We love flowers too. We use them for many different purposes. We get flowers from plants. We also get cotton wool from plants to make cotton clothes. जैसे हमें animals की ज़रूरत है वैसे ही हमें प्लांट्स की भी ज़रूरत है हमारी डे टू डे नीड्स कंप्लीट करने के लिए। प्लांट्स की वजह से हमें क्या क्या, कौन सी चीज़ें मिलती है, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। सो ये सारी चीज़ें हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़फुल होती है, और ये सभी चीज़ें हमें मिलती है प्लांट्स से। इतना ही नहीं, प्लांट से हमें क्या मिलता है, कॉटन वूल। कॉटन वूल हम वो कॉटन वूल से क्या बनाते हैं, कॉटन के क्लोथ्स जो हम समर में यूज़ करते हैं पहनने के लिए। वी ग्रो प्लांट्स दैट आर यूजफुल टू अस मेथोडिकली। वी सो सीड्स, वी मेक श्योर दैट दे गेट वाटर, वी गिव मैन्यूर व्हेन नेसेसरी, वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स इफ दे आर अटैक्ड बाय इंसेक्ट। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, जो यूजफुल होते हैं प्लांट्स हम लोगों के लिए, हम क्या करते हैं, उसके बी रोते हैं, देन उसके बाद हम उसको पानी अच्छे से देते हैं,
उसकी अच्छे से देखभाल करते और अगर उसको कीट लग गई है या इंसेक्ट उसको लग गया है तो हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड करते हैं। सो प्लांट्स सेटिस्फाई आवर नीड्स, अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो गेट देयर फूड फ्रॉम द एनवायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल चमेलियन ईट इंसेक्ट वेन दे आर हंग्री, सम स्नेक ईट माइस एंड फ्रॉग्स, टाइगर ईट डियो, गोट्स एंड शीप ईट लीव्स ऑफ प्लांट, कैटल ईट ग्रास। सो नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स ऑल्सो कंप्लीट देयर नीड्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। Animals like monkeys and squirrels leaves on tree. It gives them certain advantages. Being at a height, they are better able to defend themselves from their enemies. Besides, they can eat the fruits of the trees to satisfy their hunger. Such animals are said to be arboreal. मंकी और स्क्वेरल जैसे एनिमल जो होते हैं वो ट्री के ऊपर एकदम हाइट वाली ब्रांच के ऊपर जाकर वो बैठते हैं। इनका उनको एक फ़ायदा होता है, एक एडवांटेज होता है, जिससे वो जो उनके एनिमीज़ होते हैं उनसे भी सेफ रहते हैं और उनको खाना भी पेड़ से मिलता है, जैसे कि फ्रूट, ग्रास एक्सेट्रा। अनलोइंगली दे हेल्प द ट्रीज विथ हुज सपोर्ट दे लीव As they move around here and there in the surrounding, they spread the seed of the fruit they have eaten through their dropping. Because of this, new trees grow it in the different places. अब इसकी वजह से क्या होता है, वो जो फ्रूट खाते हैं और यहाँ वहाँ जैसे ही वो मूव होते हैं, वो जो फ्रूट खा के वो जो सीड्स होते हैं वो यहाँ वहाँ फेंक देते हैं और फेंकने की वजह से उन्होंने वो सीड फेंका था वहाँ पर एक न्यू प्लांट ग्रो होता है और ऐसे ही वो प्लांट की अननोइंगली हेल्प कर देते हैं। सो टाइप्स ऑफ बर्ड्स टू फाइंड ट्रीज यूजफुल फॉर बिल्डिंग देयर नेस्ट। हम सभी को पता है कि बर्ड्स हमेशा नेस्ट कहाँ पर बिल्ड करते हैं, पेड़ के ऊपर, पेड़ की ब्रांच के ऊपर। सो पक्षियों के लिए, बर्ड्स के लिए भी प्लांट्स यूजफुल होते हैं। सो इसी तरह से नॉट इवन ह्यूमन बींग्स, ऑल लिविंग थिंग्स गेट देयर ऑल नीड्स फ्रॉम द एनवायरमेंट। डू यू नो एन ईगरेट राइड ऑन अ बफेलोज बैक? When a buffalo is grazing in a grass area, you are very likely to see an egret riding on its back. What could be the reason for that? A certain kind of egret feeds on different kinds of insects. Grass is full of kinds of insects. But because they are hidden in the grass, the egret cannot see them and catch them. Because this, as a buffalo tread on the grass, it frightens the insect which flies out of the grass. The egret on the buffalo's back make no mistake in swooping down to catch and eat them up. So buffalo ki madad se egret ko is tarah se apna khana mil jata hai. So today in this video we learn that not only human beings, trees, animals, birds, insects, all the living things also get their food from the environment. In the next video, we will continue the further remaining part of the lesson. Thank you.